सोलन में आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सोलन वासियों के लिए वरदान साबित होने लगी है। सोलन वासियों ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाकर लाभ भी उठाना आरंभ कर दिया है। यही वजह है कि सोलन वासी इस योजना से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस योजना के तहत अब लोगों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है और सारा पैसा सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब लोगों में बेहद खुशी की लहर देखी जा रही है। इस योजना पर भाजपा नेता समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आज भी भाजपा नेता राजेश कश्यप ने अस्पताल का निरीक्षण किया और इस योजना के लाभार्थियों से मिलकर हकीकत भी जानी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भाजपा नेता राजेश कश्यप ने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में करीबन 43,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया है और अब वह इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, जिससे चार रोगों को 16,000 रुपए तक की आर्थिक मदद योजना के तहत दी गई है। यही कारण है कि गरीब रोगी जो पैसे के अभाव से इलाज नहीं करवा पाते, आज इस योजना का लाभ उठाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आज हम जिला अस्पताल में, जिसे रीजनल हॉस्पिटल सोलन कहा जाता है, उसमें ये मुआयना करने आए थे कि आयुष्मान भारत के तहत जो प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना है, उसमें कितने पेशेंट्स को यहाँ पे जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमने पाया यहाँ पे जो है चार पेशेंट जो एडमिट हुए हैं, जिसमें से एक पेशेंट यहाँ बसाल के रहने वाले हैं, एक लड़का है जिसकी अपेंडिसेक्टमी हुई है, एक पेशेंट कुरगल की रहने वाली है, उसकी कॉलिसेक्टमी हुई है, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। तो तरह तरह के जो ये मेजर ऑपरेशन हुए हैं उसके तहत लगभग 16,000 रुपए का जो एक बेनिफिट प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जन योजना के तहत मिला है, जिसको हम कन्फर्म करने आए थे। और हमने CMO साहब से भी इसके बारे में जानकारी ली है। CMO साहब ने हमें ये बताया कि लगभग 43,000 के लगभग फैमिली जो है जिला सोलन में जो है इस योजना के तहत रजिस्टर हो गई है, और उसमें से अभी पिछले ही कुछ दिनों में कोई 20-25 के लगभग इस तरह के जो पेशेंट है वो यहाँ आए हैं और उनको इसका लाभ मिला है।